Hello, my dear students. Good evening, and how are you all? Welcome to Gradeup, India's largest online platform for exam preparation. I'm Dr. Amit Sir here on time. So, as we have committed कि आपको 6 बजे हम लोग आएंगे और आपके लिए कुछ NDA के questions, NDA की practice कराएंगे, ठीक है? So, बच्चों, today we have the again filler. आपका एक close test होगा. Close test पे हम आज आप practice करेंगे और देखते हैं कि आज आप कितने questions कराते हैं. Last class में आपने practice किया था, आपको समझ आया? अगेन देखो, पहले मैं आपको थोड़े से इजी कुछ क्लोज टेस्ट करा लेता हूं और जिसमें आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी बढ़ जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तब हम उसके लेवल को थोड़ा सा हाइक कर लेंगे. बट अभी तो मैं आपके लिए बहुत आसान आसान क्लोज टेस्ट लेके आया, जैसे लास्ट टाइम था और देयर वाज अ स्टोरी. डू यू रिमेंबर देयर वाज अ स्टोरी कि एक आदमी अपने स्कूल में जाता है, ओल्ड स्कूल मैन देयर वाज, कि वो स्कूल कैसा था, कैसे वहां पे चेंजेस हुए थे. सो सर्टेन वर्ड्स वर देयर, सर्टेन प्रपोजिशंस वर देयर. सो आज का भी क्लोज टेस्ट वैसे ही होगा. दो मिनट में आपको रिव्यू कर देता हूं, देन वी विल स्टार्ट द क्लोज टेस्ट टुडे. सी व्हाट वाज देयर माय डियर, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन क्लोज टेस्ट, मैं आपको दो मिनट में समझा देता हूं. जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम नए हैं, उनको लगना चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ ग्रेड अप. सो बेटा, क्लोज टेस्ट में एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो क्लोज टेस्ट है, आप उसको ऐसे मतलब डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से, कि कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है आपकी ग्रामर के ऊपर, ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है बेटा आपकी वोकैब के ऊपर, कि व्हाट द वोकैब यू हैव, कुछ वोकैब के ऊपर, ठीक है. और अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, मतलब उसको तुम डिनाई ही नहीं कर सकते कि जो अंडरस्टैंडिंग है दैट्स मस्ट, वो तो होनी ही चाहिए, ठीक है. सो ग्रामर और वोकैब के ऊपर कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है, दोनों चीजों को मिला के एक अच्छा खासा क्लोज टेस्ट बन जाता है. तो यहां हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम सिलेक्शन करते हैं वर्ड्स का, हम सिलेक्शन करते हैं ग्रामर पॉइंट्स का, और तब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि विच शुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप समझ आने वाली बात है और समझ आ भी रहा होगा कि वोकैब का क्राइटेरिया बेसिक बहुत वाइड हो सकता है, लेकिन ग्रामर का क्राइटेरिया फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है ग्रामर का क्राइटेरिया, और वी कैन गेट द वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ऑल्सो, ओके. लेकिन ग्रामर में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी तो बात है कि आप थोड़ी ना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे बेटा कमांड होना चाहिए. और द टॉपिक्स वी हैव, सबसे पहला होगा हमारा इट्स प्रपोजिशन, ओके, सेकंड कंजंक्शन, एंड बेटा थर्ड होगा हमारा इट्स वर्ब और द टेंस में भी, एंड द फोर्थ वन वी हैव द आर्टिकल. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चार टॉपिक तो आपको जरूर तैयार हूं कभी भी क्लोज टेस्ट करने के लिए, ठीक. और इसमें जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि आप दो आंसर्स बताते हो कि आइदर दिस वन या दिस वन, एंड हम क्लोज टेस्ट के अंदर से आइडियाज निकालते हैं ना, हाउ द आंसर विल बी, हम क्लोज टेस्ट में सीख लेते हैं कि यार इसको पढ़ने से पता चलता है कि टाइम को लेकर फोकस करके कि वर्ब ब्रेक हो गई, वो पास्ट में था, ये भी पास्ट में होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए. तो वी हैव सर्टेन आइडियाज, वो सब क्लोज टेस्ट देखने के बाद ही पता लगता है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें आज का सेशन और देखते हैं बच्चों आज आप कितने क्वेश्चंस को मार्क कर पाते हैं, ठीक है. बहुत आसान स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट है, वरीड नहीं होंगे, लेकिन पेशेंस रखें और 100% करेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है. ऐसा आप बिल्कुल ना फील करें कि यार मेरे तो आज शायद 8 क्वेश्चंस हैं हमारे क्लोज टेस्ट में, तो ऐसा नहीं आप सोचें मेरे 4-5 ठीक हो गए तो मैं सेटिस्फाइड हूं. नहीं, जब क्लोज टेस्ट में पहले ही बता रहा हूं ईजी है, स्टोरी बेस्ड है, तो इट शुड बी 100%, ओके. सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या करते हैं आज आप. दिस इज द क्लोज टेस्ट वी हैव, मैं आपके लिए एक बार पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ देता हूं और उसके बाद आपके आंसर्स का वेट करूंगा, आप आंसर्स देते जाएंगे. एक बार पढ़ना बहुत जरूरी भी होता है, बिकॉज अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये कभी समझ ही नहीं आएगा व्हाट वी हैव टू डू इन दैट क्लोज टेस्ट. और बेटा एक स्केलेटन जैसे, मतलब आप ये समझो कि एक फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो जाता है, व्हाट वी हैव देयर, क्या एक स्टोरी क्या है, और उस स्टोरी के हिसाब से हम फिलर्स को फिल करने लग जाते हैं. जैसे देखो, अगर मैं कहता हूं द ऑफ टूडेज ह्यूज फाइनेंशियल अंडरटेकिंग, सो मुझे क्या समझ आ गया कि द हॉस्पिटल ऑफ टूडे, द न्यूज पेपर ऑफ टूडे, द थिएटर ऑफ टूडे, द लाइब्रेरी ऑफ टूडे, ओके. सो दैट्स वाई वी हैव टू रीड द पैसेज फर्स्ट, एक बार जरूर पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद ही हमें यह समझ आएगा कि वो जो हमारा वर्ड है वो कौन सा हमारा करेक्ट फिलर होगा, ओके. सो लेट्स हैव अ रीडिंग. सी, द ऑफ टूडे इज अ ह्यूज फाइनेंशियल अंडरटेकिंग विद द सेम आउटलुक एज एनी अदर लिमिटेड कंपनी, ओके. सो द स्टाफ हैव टू मेक सर्कुलेशन एंड इफ दे डू नॉट दे विल सून बी बाय दोज हु कैन. Their independence therefore suffer a grave limitations.
It is further by the fact that a newspaper is as much an advertisement medium as a vehicle for, it is said that the which the public pays for its newspaper cover no more than a third of the of production. The other two thirds of accounted by advertisement revenue. I hope that's very easy, my dear. So, अब हमने जैसे पहला वाला सेंटेंस देखा कि द ऑफ टुडे, सो व्हाट इज ऑफ टुडे माय डियर, द हॉस्पिटल ऑफ टुडे, कहीं पेशेंट की बात नहीं हुई, कहीं हमने डिस्कशन ही नहीं किया कि डॉक्टर्स वर देयर, कहीं बिल्डिंग की बात नहीं हुई, सो व्हाट कैन बी द हॉस्पिटल एंड दैट कैन नॉट बी द थिएटर, मूवीज की तो बात ही नहीं हुई, एंड लाइब्रेरी वेयर वी हैव द बुक्स माय डियर, दिस इज द वेरी क्लियर आंसर वी हैव द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे. आई होप you understand the first question now, okay? Mark your answers, my dear. Mark your responses from the either A, B, C or D is the correct answer, okay? So, I hope you understand the first newspaper is the correct answer we have. The newspaper of today is a huge financial undertaking with the same outlook as any other limited company. So, first answer bilkul clear hai, theek hai? Likhte jayenge. First answer kya tha? A. That was your newspaper. इससे आपको ये भी benefit होगा कि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पहला option बिल्कुल ठीक से पता होगा. हमारा question number one है बेटा ये, ठीक है? So आपको बस answer मैंने लिख दिया, that's newspaper. Option B है, वो interpretation में दिक्कत हो जाती. A sorry तो hospital है, ठीक है? Next, this is the second sentence we have, my dear. What the second sentence we have, just have a look and read the sentence and mark the filler, my dear. This is as many other limited companies, the performing staff have to make circulation, the editorial staff have to make circulation, the company staff have to make circulation and the teaching staff have to make circulation. Okay, I hope again you understand the question, mark your response, my dear. Because first you have to eliminate something and then you can mark the answers. Okay, first go through the elimination, then mark the perfect answer from there. So I'm getting the answers. What will be? Either B will be there and someone says C will be there. Okay, so let's start. Jai Hind, Chama Sukla. It's a very easy close test we have here, Chama. So, mark your response, either it will be B, C, D or A. I think so you are getting the question. It's very easy to understand what is the correct answer we have here. Jaldi, jaldi se mark karo bacho, don't waste time. Bilkul time waste karne ki zarurat nahi hai. B hoga, Raj Yadav, Jai Hind. Beta, Jai Hind, aap baad mein likhein, pehle aap answers dein fatafat, kyunki bahut der hogi question ko display ki huye. See, my dear. Of course, for the second, what the correct answer we have. My dear, staff की बात की गई ना, अब हमें समझ आ गया. This time sir, क्षमा शुक्ला नहीं कर पाए बेटा qualify. कितना आया आपका स्कोर बता सकते हैं क्षमा? English में कितना आया बेटा, just tell me. And what about other students of your batch, वो भी हमें बता दें, ठीक है? See, this is my dear, so staff होगा, अब newspaper का जो staff होगा, performing ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है? Editorial, that should be the correct answer. Company कुछ भी हो सकता है, teaching का मतलब ही नहीं है, ठीक है? So that will be dear. What is that's we have editorial. Okay, editorial staff. Chama, that's 65 in English only. So if it is in English, so I think so that's you have the good marks in English, satisfactory marks you have. Sam new, okay, don't worry my dear, this is only the close test we have and you have to discuss and you have to mark your responses, okay. This is the third sentence, what should be the correct answer? Yeah, so Chama, I think so you are satisfied with your marks in English because it's 65, we committed that it should be more than 60, near about 70, so you have 65, it's a satisfactory performance we have there. You have to go to the site, Chama, post your comment, my dear, how to check the marks. Priyanshu Misra is asking there.
So my dear, this is, we have the editorial staff have to make circulation, and if they do not, they will soon be by those who can sustained, treated, supplanted and cured. Nikhil Jha, really I don't have idea. Wait, it's working or wait, it's not working. So you have the problem in GS, okay. Sustained. Kanchan, just pay attention to the sentence. My dear, you only have to practice, okay. The only way is practice, okay. Practice can improve that section, otherwise you cannot do anything because it's not math. It's not a calculative part. You can do something. You have to go through the practice session. Same idea. The editorial staff have to make circulation. Exactly, they have to work. And if they do not work, they will soon be by those who work. It means the correct answer should be, my dear, that will be C, supplanted. That is C. Third, it is those will be changed, my dear. Okay. If they don't work, those will be supplanted by those who work. Sustained, they will be remain there, either they are working or not. Beta, main Priyanshu, main to bas keh sakta hoon ki abhi NDA ka wahan test agar nahi hai, so I will ask the content team, theek hai, ke bhai unko ek problem hai, aur if they are going to moderate the session, to aapki query un tak pahunch gayi hogi, they will just reply, okay, वो बिल्कुल post करेंगे reply, so आप ये बताएं correct, देखो sentence को समझ लेते हैं, एक बार हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ, भई हमने कहा है कि जो हमारे staff है have to make circulation, उन्हें circulation करना होगा newspaper का, मतलब उन्हें काम करना होगा, if they do not, यदि वो नहीं करते हैं, so they will be by those who can, तो वो कर दिए जाएंगे उनके द्वारा जो काम करते हैं, ठीक है, तो बेटा क्या समझ आया, कि उनको चेंज कर दिया जाएगा उनके द्वारा जो काम करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, तो चेंज हो जाएगा, सस्टेन माने तो बने रहना होता है, ट्रीटेड माने ट्रीट करना होता है, एंड क्योर्ड, ओके, टेक कोर्स ऑन ग्रेड अप, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, अमित सिसोदिया सर द बेस्ट टीचर, नो वन कैन टेक हिज प्लेस, थैंक्स सर, ओके क्षमा, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर दिस काइंड रिमार्क, वेलकम, ओके, बहुत अच्छे, लेट्स सी, सो आपको समझ आ गया, इट विल बी द सप्लांटेड इज द करेक्ट आंसर वी हैव. Now come to the next one, my dear. This is the fourth we have. So, हमें समझ आया, will soon be supplanted by those who can. Their independence, therefore suffer a grave limitation. And their independence, if they are free, therefore suffer a grave limitation. It is further by the fact that a newspaper is as much an advertisement medium as a vehicle for whatever. So, it is further, what it is, my dear? That is destroyed, curtailed, dependent or aggravated by the fact that a newspaper is as much as an advertisement medium as a vehicle for whatever. Jaldi se bataye kya answer hoga. A, B, A hoga, destroyed. Jara ya theek se ek baar dekh le answer ko. Aap aaram se padho, kyu jaldbaji karte ho. देखो सेंटेंस को समझो, देयर इंडिपेंडेंस देयरफॉर सफर अ ग्रेव लिमिटेशन, ठीक है, उनकी जो मतलब सफर करती है इंडिपेंडेंस, वो लिमिटेशन सफर करती है, इट इज फर्दर बाय द फैक्ट, ये कहा गया है, तो इट इज फर्दर डिस्ट्रॉयड बाय द फैक्ट, फैक्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, डीपन कर दिया गया, या कर्टेल्ड, संक्षिप्त कर दिया गया, या एग्रावेटेड कर दिया गया फैक्ट के द्वारा, दैट अ न्यूज़पेपर इज एज मच एज एडवर्टीजमेंट मीडियम as a vehicle for, okay, so what is vehicle for the news hi hoga, theek hai, ya advertisement hoga, so correct answer kya hoga, depend hoga, bahut badhiya, B is the correct answer. Okay, bilkul Nikhil Jha, ekdam sahi hai, dekho na to isko destroy kiya gaya hai, agar destroyed nahi kiya gaya to curtail khatam ho gaya, yani ke A aur C to ho hi nahi sakte hai na, या तो बी होगा या डी होगा, ठीक है, अब हमने कहा डी, एग्रावेट कर देना, एग्रावेशन करना होता है किसी चीज को बढ़ा देना बहुत हायर लेवल तक, और थॉट करना डिपेंड होगा, सो करेक्ट, फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी बी, इट विल बी डिपेंड, बिल्कुल
करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है. बाय द फैक्ट दैट अ न्यूज़पेपर इज एज मच एज एडवर्टाइजिंग मीडियम एज अ व्हीकल फॉर व्हाट इट इज दिस व्हीकल फॉर व्हाट व्हीकल फॉर ट्रेनिंग न्यूज एंड बिजनेस और पेशेंट्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर. बेटा न्यूज़पेपर दो काम करता है ना, हमने एक लिखा हुआ है पहले से एज मच एज एन एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग मीडियम एज अ व्हीकल फॉर व्हाट ट्रेनिंग के लिए, न्यूज के लिए, बिजनेस के लिए और पेशेंट्स के लिए. सो जैसा आप सेंटेंस देख के समझ पा रहे हो ना, पेशेंट्स नहीं हो सकता है, ट्रेनिंग नहीं हो सकता, आइदर बिजनेस और बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर होगा दैट विल बी बी. माई डियर आप तो बेकार में कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल आसान तो है. न्यूज़पेपर किस चीज का मीडियम है? बिजनेस, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, दैट इज द इंडस्ट्री. सो हम विकास बिजनेस क्यों लिखेंगे? बिल्कुल क्षमा, बिजनेस क्यों लिखेंगे बेटा? सीधा सीधा है, देखो पढ़ो. बाय द फैक्ट दैट अ न्यूज़पेपर इज एज मच एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम एज अ व्हीकल फॉर, ये ओरिजिनली व्हीकल फॉर कौन है? दैट इज फॉर द न्यूज, न्यूज. एंड सेकेंड पार्ट क्या है? दैट इज द एडवर्टीजमेंट, कि हम न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, न्यूज देते हैं और साथ के साथ एडवर्टीजमेंट भी देते हैं. सो बिजनेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता है. तो दो एलिमिनेट हुए, बिजनेस और न्यूज में जो अच्छा आंसर होगा दैट विल बी न्यूज. ओके, सो इट इज सैड दैट द नेक्स्ट 6-1 व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, लेट्स सी. इट इज सैड दैट द विच द पब्लिक पेज फॉर इट्स न्यूज पेपर कवर्स नो मोर देन अ थर्ड ऑफ वट एवर. सो वॉट द करेक्ट आंसर, कॉस्ट, टैक्स, फी और प्राइस. कॉस्ट, कॉस्ट, वेरी गुड माई डियर. सो आई एम गेटिंग द आंसर दैट विल बी कॉस्ट, कॉस्ट एंड दिस प्राइस ऑल्सो. निखिल सेज प्राइस. ओके, सो निखिल जा, इट विल बी प्राइस. लेट्स सी माई डियर, दे आर टू वर्ड्स वी हैव, द वन इज द कॉस्ट एंड द सेकेंड इज द प्राइस. सो वी हैव टू नो द डिफरेंस एंड द क्वेश्चन विल बी क्लियर देन. दे आर टू वर्ड्स वी हैव इन इंग्लिश, द वन इज द कॉस्ट एंड सेकेंड द प्राइस. सो वॉट द डिफरेंस वी हैव, वी शुड नो द डिफरेंस माई डियर. जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर से क्या पूछते हो? जैसे आपको मानो जीन्स खरीदनी है, टी शर्ट खरीदनी है या कोई भी चीज खरीदनी है, आप उसकी कॉस्ट पूछते हो या उसका प्राइस पूछते हो? समझना ठीक से कि आप क्या पूछते हो, कॉस्ट या प्राइस. तो आपको समझ आ रहा होगा प्राइस पूछते हैं क्योंकि हर चीज के ऊपर उसका प्राइस टैग लगा हुआ है, उसके प्राइस टैग पे प्राइस लिखा हुआ है कि वो कितने की है. तो कॉस्ट कैसे पूछ सकते हो, ठीक है. लेकिन आप ये बताओ, जब किसी चीज को बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती है. जैसे मार्कर बनाया गया तो उसमें प्लास्टिक था प्लस मैन फोर्स भी तो थी, कि मैन पावर, पूरी की पूरी मैन पावर लगाएगी, सारी की सारी चीजें वॉज द. सो वॉट इट इज दैट, दैट इज कॉल्ड द माई डियर कॉस्ट. तो कॉस्ट क्या है? जो इनपुट है. और प्राइस क्या है? जो बेटा हम कस्टमर से लेते हैं. सो अब आप ठीक से देख लेंगे, हमने कहा है दैट इज व्हीकल फॉर दैट इज न्यूज सेट दैट द. अगर मैं कहता हूं कॉस्ट विच द पब्लिक पेज, तो पब्लिक क्या पे करती है, कॉस्ट या प्राइस? सो माई डियर डी इज द करेक्ट आंसर. अगर मैं देखता हूं 6 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी प्राइस. बस निखिल शायद वहां है जिन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर दिया है, आदर्श ने सही दिया है, बाकी सारे के सारे कॉस्ट में. कॉस्ट मतलब जो कीमत हम चुकाते हैं. नहीं क्षमा, कॉस्ट वो कीमत होती है जो किसी चीज को बनाने में लगती है, जिसको हम लागत कहते हैं. ओके, और जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम उसका प्राइस पे करते हैं, इसीलिए हर चीज के ऊपर एक प्राइस टैग लगा रहता है, कॉस्ट टैग नहीं लगा रहता है. आप कभी भी देखो शॉपिंग करने जा रहे हो, प्राइस टैग ही तो चेक करते हो, कॉस्ट टैग तो होता ही नहीं है, ठीक है. लेट्स सी, तो बहुत बढ़िया समझ आया होगा. 6-1 दिस इज द 7th यू हैव. तो हमने कहा 6 में इज सेड दैट द प्राइस विच द पब्लिक पेज फॉर द न्यूज पेपर कवर्स नो मोर देन अ थर्ड ऑफ द ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन का क्या होगा? एक्सपेंसेस, कॉस्ट, सेल या अमाउंट. नाउ मार्क योर आंसर फॉर द 7th वन माई डियर, व्हाट्स द करेक्ट आंसर वी हैव. जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा. अगेन यू हैव अ गुड क्वेश्चन हियर एंड यू विल जस्ट गेट द डिफरेंस. वेल डन, सी सेल, बहुत बढ़िया. कैसे दिमाग लगा देते हो बेटा. मतलब कभी कभी सोच के भी लगता है कि कुछ भी लिख देते हो. ठीक है, लेट्स सी बेटा, कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर. सीधे सीधे लिखा हुआ तो है, क्यों अलग जा रहे हो भाई? आपने क्या कहा है
कि आपने कहा कि पब्लिक पेज दैट द प्राइस विच द पब्लिक पेज फॉर द न्यूज़पेपर कवर्स नो मोर देन द 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है ना उसका वो 1/3 ही है, 1/3 ही है. सो माई डियर दैट शुड बी द कॉस्ट. किसी ने बताओ सेल कह दिया, वॉट इज द सेल वी हैव. ओके, कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर. अच्छा मुझे बताओ आपको प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि ये तो हमारा पैसेज हो गया, बट हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है जो हमसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन कॉस्ट एंड द प्राइस. ये कॉमन एरर में आ सकता है, फिलर में हमारे सामने है क्लोज टेस्ट के अंदर, और कहीं भी हो सकता है. तो हैव यू गॉट द डिफरेंस इन कॉस्ट एंड द प्राइस. कॉस्ट मतलब जो कीमत हमने चीज को बनाने पर लगाई, लागत उसको हम कहते हैं, और प्राइस जो हमने कस्टमर से वसूल किया. ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है ना. बिल्कुल, अगर क्लियर है तो आज के बाद गलत भी नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज द सेंटेंस नंबर 8. वी हैव ऑफ प्रोडक्शन द अदर 2/3 इज अकाउंटेड बाय एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू. ओके, सो व्हाट इज अकाउंटेड इनटू फ्रॉम इन एंड फॉर एंड बाय, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. For good, D for, okay, for good, 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 of course my dear, for the 8/4 is the correct answer, because that is responsible, depend on, that is by advertisement revenue. Okay, good my dear. So I hope you all got the close test. My dear, just give your fair reviews. Have you got the close test? So that was the close test we have for today. And these are only 8 options we have in this close test. And mark your answers. बेटे जल्दी से mark करो आपने कितने questions correct किए हैं. Okay? और ये सिर्फ practice sessions हैं. These are only practice sessions we have. मैं आपको ऐसे ही कुछ easy close test with tough कराता रहूँगा जिससे आपकी जो knowledge है वो grow होगी. आज आप देख पा रहे हो कि कम से कम दो बातें समझ आई कि क्लोज टेस्ट का स्टोरी निकाल के हम कैसे स्टार्टअप लेते हैं, और कम से कम और कुछ ना समझ आया हो हमें एक वर्ड कॉस्ट का और प्राइस का जो बहुत सही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आया कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही एक और सेशन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मेहनत करते जाएं क्योंकि आप सबको ऑफिसर्स बनना है. इट्स हाई टाइम फॉर स्टडीज. ओके, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.